हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं दुबई के 10 फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में जो है बहुत ज्यादा डिलीशियस। और दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि उन स्ट्रीट फूड का अगर आपने स्वाद नहीं लिया है तो इसका मतलब आपका दुबई का सफर अधूरा ही रह गया। तो दोस्तों अगर आप दुबई काम करने के लिए जा रहे हैं या फिर घूमने के लिए जा रहे हैं मैं तो बस आपको यही कहूंगा कि वहां जाने से पहले आप जान लीजिए वहां के सुपर टेस्टी स्ट्रीट फूड्स के बारे में ताकि बाद में आपको कोई पछताना ना पड़े। देखिए नंबर 1 पर आता है शावरमा। ये पूरे अरब देश की सबसे पॉपुलर और फेमस डिश है। हाँ लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है फिर तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शावरमा एक नॉन वेजिटेरियन डिश है। वैसे आप ये जान लीजिए कि इसे बनाने के लिए मीट की लेयर को काट कर किसी नोकीली चीज में लगाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है और दोस्तों इसे अलग अलग तरह के सॉस और ताजी सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। वैसे इसके खाने का टेस्ट तो मैंने लिया ही है इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और दोस्तों ये आपको इंडिया के भी कई शहरों में मिल जाएगा लेकिन दुबई में इसे खाने का एक अलग ही मजा है। नंबर 2 पर आता है फतायर। फतायर एक लेबनन डिश है जो होता तो ब्रेड पकोड़े की तरह है लेकिन ये भुना हुआ होता है और इसके अंदर जो फिलिंग की जाती है वो काफी अलग होती है। जैसे कि इसमें चीज ऑलिव फूल ममूरा और चीज जातर जैसी चीजों की इसमें फिलिंग की जाती है। और दोस्तों दुबई का ये स्ट्रीट फूड भी काफी ज्यादा यमी होता है। तीसरे नंबर पर है ओमान चिप्स रोल। ये भारत के स्टफ्ड लच्छा पराठा जैसा होता है। इसमें चीज और पनीर की परतों के अंदर ओमान चिप्स को तोड़कर डाला जाता है। ये अरब का फेमस स्ट्रीट फूड है। ये आपको दुबई के ज्यादातर जगहों पर आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये वहां के लोकल लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फेवरेट है। चौथे नंबर पर है मनाकिश। दुबई का बहुत ही फेमस लेबनानी स्नैक है मनाकिश। वैसे तो ये चीज से भरी हुई एक फ्लैट ब्रेड होता है जिसकी किसी ओवन या फिर किसी भट्टी टाइप की चीज में पकाया जाता है और दोस्तों इसके ऊपर से आप अपने पसंद की चीज जैसे कि सब्जी पनीर मीट तेल या फिर कोई भी मसाला इत्यादि लगाकर आप खा सकते हैं। पांचवे नंबर पर है करक। दुबई में करक कोई पीने की चीज है जस्ट लाइक इंडियन टी, बस नाम का फर्क है। दुबई का ये करक कारमेल कलर की होती है जिसे आप डोनट या फिर किसी मीठे केक के साथ पी सकते हैं। जैसे चाय के साथ बिस्किट खाते हैं बस वैसे ही केक खाइए और कारमेल को पी लीजिए। सिक्स नंबर पर है लुकेमत। दुबई का एक पारंपरिक मिठाई है लुकेमत जो आटे की कुरकुरी गोल सी नजर आती है लेकिन अंदर से ये काफी सॉफ्ट होता है और इसे शहद या फिर खजूर के साथ सर्व किया जाता है। सातवें नंबर पर है अल हरीस। दुबई का फेमस अल हरीस मीट और गेहूं से बना हुआ नमकीन डिश है जो भारत के दलिया जैसा दिखता है और इसे वहां पर किसी फैमिली फंक्शन के दौरान खाया जाता है। तो दोस्तों ऐसी डिटेल जानकारी आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आठवें नंबर पर है सिस तावोक सैंडविच। ये दुबई का काफी फेमस नॉन वेजिटेरियन डिश है जिसे सैंडविच की तरह बनाया जाता है। इसमें फ्लैट ब्रेड में चिकन के पतले पतले पीसेस भरे जाते हैं और उसके साथ में सब्जी अचार या फिर कई अलग अलग तरह के मसालों की स्टफिंग की जाती है और ये खाने में सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। नौवें नंबर पर है फरीद। मटन और आलू के मिक्सचर से फरीद को बनाया जाता है जिसे थरीड भी कहा जाता है। इसके ग्रेवी में ब्रेड और कई तरह की सब्जियां रहती है। इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए कई तरह के विदेशी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। दसवें नंबर पर है वनाफे। मिठाई की रानी के नाम से फेमस इस डिश को सिर्फ चीज से बनाया जाता है और दोस्तों इसके टॉपिंग के लिए गुलाब सिरप का यूज किया जाता है। ये आपको दुबई के लगभग सारे कैफे और होटलों में मिल जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी आप दुबई काम करने के लिए या फिर घूमने के लिए जाएं तो वहां के इन सुपर टेस्टी डिशेस का मजा जरूर लीजिए और हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम दुआ कम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।